नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं देश में पहली बार एक दिन में आए करीब 21,000 मामले, अब तक 18,213 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मी सहित कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश में लगी पुलिस। वहीं लेह का दौरा करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति का लेंगे जायजा। वहीं 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है देश की पहली कोरोना वैक्सीन, भारत बायोटेक ने की तैयारी। दरअसल कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की मौत पर सीएम योगी ने जताई संवेदना, घटना पर मांगी रिपोर्ट। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा हालात संतोषजनक हैं, फिर भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। वहीं असम के 33 में से 22 जिले बाढ़ की चपेट में, अब तक 34 की मौत, 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले टाइगर अभी जिंदा है। वहीं यूपी कानपुर में 8 पुलिसकर्मी सहित समाजवादी पार्टी ने कहा कि योगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। वहीं होम आइसोलेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में किया संशोधन, जानिए क्या है नए नियम। वहीं आपको बता दें कोरोना की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने 12 संस्थानों का किया चयन। वहीं कोरोना वायरस, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिक संख्या में रैपिड एंटीजन जांच करने और अस्पताल में भर्ती करने पर दिया जोर। वहीं केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा स्टार्टअप कंपनियां कर रही बेहतर काम, देश की आईटी सेक्टर में आएगी क्रांति। वहीं दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला प्लाज्मा बैंक, जाने कौन कर सकता है डोनेट। वहीं आपको बता दें कि पहली खबर, देश में पहली बार एक दिन में आए करीब 21,000 मामले, अब तक 18,213 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6.25 लाख के पार हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,25,544 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18,213 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,69,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,903 नए मामले सामने आए और 369 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर, कानपुर में 8 पुलिसकर्मी सहित कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश में लगी पुलिस। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में देर रात तक सातिर बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई बातोड़ फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एडीजी जय नारायण सिंह ने बताया घटना कानपुर में चौबीपुर थाना क्षेत्र के बिकरवू गांव में हुई थी। पुलिस सातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी, उन पर बदमाशों ने हमला कर दिया, 8 जवान शहीद हो गए और 4 घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी एचएससी अवस्थी के अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं अगली बड़ी खबर, लेह का दौरा करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति का लेंगे जायजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी है। इसी बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शुक्रवार को लेह का दौरा करेंगे। उन्हें 14 कोर अधिकारियों द्वारा पूर्वी लद्दाख सेक्टर में वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी, यह जानकारी सूत्रों के हवाले दी गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा गुरुवार को स्थगित हो गया था, वे शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल नरवणे के साथ लद्दाख जाने वाले थे। लद्दाख में रक्षा मंत्री को चीनी सेना के साथ सीमा पर गतिरोध के मद्देनजर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने जाना था, अब उनके कार्यक्रम को दोबारा तैयार किया जा रहा है। अगर रक्षा मंत्री शुक्रवार को लद्दाख जाते हैं तो भारत चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध के दौरान उनका पहला लद्दाख दौरा होता, उनके साथ थल सेना अध्यक्ष नरवणे भी जाने वाले थे। बता दें कि नरवणे कुछ दिन पहले लद्दाख दौरे से लौटे हैं। माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह के दौरे का मकसद सैनिकों का मनोबल बढ़ाना था। वहीं अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है देश की पहली कोरोना वैक्सीन, भारत बायोटेक ने की तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इससे रोजाना हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं, कई जान गंवा चुके हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल भारत में तैयार की जा रही कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन को 15 अगस्त पर लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन को बना रही कंपनी भारत बायोटेक को इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस दौरान क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक आने वाले 7 जुलाई को ह्यूमन ट्रायल के लिए इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की मौत पर सीएम योगी ने जताई संवेदना, घटना पर मांगी रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की इस घटना में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों के प्रति शोक और अपनी संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने घटना की रिपोर्ट तलब की है और साथ ही डीजीपी एससी अवस्थी से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने कहा हालात संतोषजनक है, फिर भी हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में दिल्ली भी वायरस के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही है। मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली में देश के 3 शीर्ष राज्यों में शामिल है। कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ी हैं और सरकार को राजस्व का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। स्कूल बंद होने से बच्चों को भविष्य अंधकार में है।
जबकि दिल्ली सरकार शिक्षा स्वास्थ्य के अपने मॉडल को वैश्विक स्तर पर तैयार करने का दावा कर रही है। इन सभी मसलों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया ने अमर उजाला से बातचीत की है। वहीं अगली बड़ी खबर, असम के 33 में से 22 जिले बाढ़ की चपेट में, अब तक 34 लोगों की मौत, 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि असम के 33 में से 22 जिले बृहस्पतिवार को बाढ़ की चपेट में आ गए और इसके कारण 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि एक और व्यक्ति की मृत्यु के बाद बाढ़ और इससे संबंधित घटनाओं के कारण अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले टाइगर अभी जिंदा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद सिंधिया ने कहा टाइगर अभी जिंदा है। सिंधिया का यह बयान उस समय सामने आया जब मध्य प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और 28 मंत्रियों ने शपथ ली है। पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मुझे कमलनाथ या फिर दिग्विजय सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने 15 महीनों में राज्य को जमकर लूटा, उन्होंने सब कुछ अपने लिए किया, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि टाइगर अभी जिंदा है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर सिंधिया ने कहा कि जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वे जनता के लिए काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की पहले 100 दिन की सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, किसानों के लिए काम किया है, हम आने वाले 4 साल तक ऐसा ही करते रहेंगे। मार्च महीने में कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया ने भरोसा जताया कि जिन 12 मंत्रियों ने गुरुवार को मंत्री पद की शपथ ली है वे उपचुनाव भी जीतेंगे। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेमे के 12 नेता मंत्री बने। इनमें सिंधिया खेमे के महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभु राम चौधरी, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, राजवंदर सिंह, ब्रजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़, गिरिराज दतोड़िया और पीएस भदौरिया, हरदीप सिंह डंग, बिसालू लाल सिंह और एंदल सिंह कसाना मंत्री बनाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी कानपुर में 8 पुलिसकर्मी सहित समाजवादी पार्टी ने कहा, रोगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद होने के बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि रोगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया। कानपुर में दबिश के दौरान 70 संरक्षित अपराधियों द्वारा सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पार्टी ने शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस विकास दुबे के नाम के अपराधी को पकड़ने गई थी। बदमाशों ने घर की छत से घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया है। अपराधी पुलिस की हथियार लूट कर भी ले गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, होम आइसोलेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में किया संशोधन, जानिए क्या है नए नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को घर में आइसोलेशन में रहने के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया कि कम प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों जैसे HIV ट्रांसप्लांट कराने वाले, कैंसर का इलाज कराने वाले घर में ही अलग रहने के लिए योग्य नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कम इम्यूनिटी वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, रोगियों, अन्य बीमारियों जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हृदय रोग, फेफड़े, लिवर, किडनी की पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों को डॉक्टरों के उचित परामर्श के बाद ही घर में आइसोलेशन में रहने की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देश के अनुसार घर में आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लक्षण में 10 दिन के बाद और 3 दिन तक बुखार न आने पर आइसोलेशन की अवधि से मुक्त माना जाएगा। वहीं देश में ज्यादातर मामलों के हल्के लक्षण या बिना लक्षण वाले संक्रमण की स्थिति में मरीजों को घर में ही आइसोलेशन पर रखा जा रहा है, ताकि अस्पताल में मौजूद बेड को गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए रखा जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिक संख्या में रैपिड एंटीजन जांच कराने और अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के NCR शहरों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैपिड एंटीजन जांच कराने पर जोर देते हुए कहा कि हमारा ध्यान इस बीमारी से मृत्यु की दर को कम करने पर होना चाहिए और इसके लिए मरीज को जल्दी अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। शाह ने अपनी अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह सलाह दी। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और अन्य ने हिस्सा लिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की ताकि NCR में कोविड-19 से लड़ने के लिए समान रणनीति बनाई जा सके। बयान के मुताबिक गृह मंत्री ने संदिग्ध लोगों को तेजी से जांच करने पर जोर दिया ताकि NCR में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाया है कि रैपिड एंटीजन जांच किट का उपयोग करने से ज्यादा संख्या में संक्रमण कम करने से फैलने की दर को 10% नीचे लाया जा सकता है। शाह ने कहा कि इस किट की मदद से करीब 90% तक स्क्रीनिंग संभव है। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा को इच्छित संख्या में भी एक किट दे सकती है। वहीं उसमें कहा गया कि गृह मंत्री ने गरीबों और जरूरतमंदों के साथ जीवन बचाने के मानवीय आधार के महत्व को कहा कि हमारा ध्यान मरीज को जल्दी से अस्पताल में भर्ती करने पर होना चाहिए।
ताकि मृत्यु दर में कम किया जा सके। उन्होंने NCR में कोविड 19 की मैपिंग के लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप में विस्तृत उपयोग पर भी जोर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा स्टार्टअप कंपनियां कर रही बेहतर काम, देश में IT सेक्टर में आएगी क्रांति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कानून IT एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक ऐप बनाए जाएंगे जो एक मिसाल साबित होंगे। चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश में लगातार रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बुधवार को रविशंकर प्रसाद ने 4000 स्टार्टअप कंपनियों से एक साथ बातचीत की है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान उपहिमालयी पश्चिम बंगाल मेघालय असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इससे सटे बिहार, दक्षिणी मध्य प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि रॉयलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रॉयलसीमा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। गंगे, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।